डॉक्टर देवनीश जी, बताइए आप लोग सुबह सुबह छतरी लेके रांची में निकले मोराबादी मैदान में, घटना क्या है? आज वर्ल्ड ल्यूपस डे है, 10th में है। तो ल्यूपस अक्सर वो महिलाओं का बीमारी है, जिसमें लड़कियों का और महिलाओं को बीमारी होती है अक्सर, मर्दों से बहुत ज़्यादा। 7 महिला को होगी तो 3 मर्द को हो सकते हैं, इतना रेयरिटी है। इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग मैसेज दे रहे हैं, आज छतरी लेके घूम रहे हैं, सूरज की रोशनी से डायरेक्टली सनरेज हमारे बीच में, हमारा जो चेहरा होता है उसका सनबर्न होते हुए आपने देखा है, बहुत सारा बीमारियां होती है। इसमें एक प्रकार का बीमारी होती है जिसमें हम लोग का शरीर का इम्यून क्लियरेंस का डिफरेंसेज होता है। जैसे ये वैसा ही कि नगर निगम हड़ताल हुआ तो पूरा शहर गंदा रहता, उसी प्रकार जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ओजोन लेयर का जो छेद से होने से जो हम लोग का सनबर्न होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग का शरीर का एक क्लियरिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और उसके अगेंस्ट में हमारा ही शरीर अपने ही शरीर के अगेंस्ट में काम करना शुरू करता है और एंटीजन एंटीबॉडीज बनता है, जिसके चलते जैसे आपको चेहरा लाल होगा, फेफड़ा में दिक्कत होगा, ल्यूपस नेफ्राइटिस होगा, ल्यूपस निमोनाइटिस फेफड़ा में होगा, और न्यूरोसाइकेट्रिक ल्यूपस होता है, और बहुत सारे नाना प्रकार का लक्षण ये गंभीर भी होते हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को ये स्टरिलिटी आता है, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं या तो बार बार उनका अबॉर्शन होता है। इतना खतरनाक बीमारी है, ये खतरनाक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। ये ल्यूपस नेफ्राइटिस तक ये तो ल्यूपस निमोनाइटिस आ गया तो जानलेवा होता है, उसमें एक्यूट रेमेटोलॉजिकल इमरजेंसी होती है। तो ये बीमारी को हम लोग अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर इन बीमारियों के लिए लोग चले जाते हैं वो जैसे चमड़ा के डॉक्टर के पास में या तो वैद्य लोगों के पास में, लेकिन ये सिस्टमिक बीमारी है। SLE ल्यूपस को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस बोलते हैं, ल्यूपस एक कॉमन नाम है। तो इसमें तितली के आकार का दाग धब्बे बनते हैं महिलाओं में, खासकर लड़कियों में, और उसके बाद में ही हम लोग का बहुत सारा एंटीजन एंटीबॉडीज हम लोग का शरीर में बनता है और उसके बाद में नाना प्रकार का बीमारी पैदा करता है, जो लक्षण मैंने बताया है। तो ये बीमारी सिंपल भी है, जानलेवा भी है, अगर जागरूक रहें तो सिंपल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक दवाई से और सनस्क्रीन लगाने से और बचाव करने से, जैसे हम लोग छाता लेके घूम रहे हैं कि डायरेक्ट सनरेज से बचना है वैसे मरीजों को, इसलिए हम लोग छाता लेके घूम रहे हैं आज, तो ये बचाव है। तो हम लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं, लोग इसके बारे में जानते नहीं है। सिंपल जो चेहरा में दाग, जो तितली के आकार का रेड कलर का जो दाग धब्बा होता है, लोग समझते हैं सिंपल है, लेकिन ये बीमारी आपको जानलेवा हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। इस तरह का बीमारी का उत्पत्ति के मेन कारण क्या है, हिंदी में सच बताइए आप सीधे शब्दों में। ये देखिए, ये बीमारी का मेन कारण तो नहीं, ये नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन ये क्या है ना कि जैसे हम लोग का शरीर में दो सिस्टम होता है, हम लोग का शरीर में इम्यून सिस्टम होता है ना, जो हम लोग का प्रतिरोधी क्षमता, जो हम लोग का शरीर में बैक्टीरिया और ये सब लड़ने में सहायता करता है जितना भी नुकसान उसे। इसमें होता क्या है कि हम लोग का शरीर का जो जो क्लियरिंग मैकेनिज्म, जैसे नगर निगम कहिए कि जैसे कूड़ा साफ करने वाला सिस्टम, तो उसी प्रकार हम लोग का अपोप्टोटिक सिस्टम एक होता है शरीर का, जो हम लोग का कोई भी ट्रॉमा होता है किसी कारणों से तो उसको क्लियरिंग होता है उसका। तो हम लोग का जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर से जो मरीज़, जो SLE के मरीज हैं, ससेप्टेबल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो सनबर्न होता है, सनबर्न होने के बाद में वहाँ से सेलुलर डेथ होता है, तो उसका क्लियरेंस नहीं होने की वजह से वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड और जो DNA प्रोड्यूस होते हैं उसके अगेंस्ट में, हम लोग का शरीर का ही वो DNA है, लेकिन वो ऑटो लॉस ऑफ इम्यून टॉलरेंस के चलते हमारा ही शरीर हमारे अगेंस्ट में काम करने लगता है। तो एंटीजन एंटीबॉडीज एक बार पैदा ले लिया तो ये सिर्फ चमड़ा में केवल नहीं रहता है, ये फेफड़ा में चला जाता है, दिमाग में चला जाता है, ये किडनी में चला जाता है, जो सबसे डेडली होता है ल्यूपस नेफ्राइटिस और न्यूरोसाइकेट्रिक ल्यूपस, और ल्यूपस निमोनाइटिस भी होता है बिल्कुल, और निमोनिया की तरह होता है, लेकिन ये इम्यून रिलेटेड निमोनिया होता है। तो ये बीमारी है। तो हमारे बीच में हमारे झारखंड रूमेटोलॉजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर RK झा सर भी हैं। आप सर, मैं मैसेज देता हूँ।